अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ऑनलाइन आ गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ध्यान देंगे, और बाकी लोग बाद में मैं वीडियो अपलोड करूँगा ही यूट्यूब पे, ठीक है। तो बच्चों अब ध्यान देंगे, मुझे बार बार कैमरा चेक करना पड़ रहा है, एक्चुअली बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, हिमांक में अवनमन। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु क्या है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ जी, तो बच्चों टेम्परेचर एट विच, ऐसा ताप जिस पर सॉलिड फेज, लिक्विड के सॉलिड फेज, समझेंगे अच्छे से, और लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर सेम हो जाते हैं। बच्चों मैं ये वीडियो एक्चुअली बना चुका हूं, बट वो करप्ट हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है वीडियो, वो यूट्यूब पे एक्चुअली करप्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, ऐसा ताप जिस पर ठोस अवस्था का वाष्प दाब द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, उसे बच्चों हिमांक दाब कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। ये इस चैप्टर का डिफिकल्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं हम, बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है बच्चों। इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, आयंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है बेटा, क्लियर है। अणुसंख्यक गुणधर्म की मैं आपको डेफिनेशन फिर से रिवीजन करा रहा हूं, विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या, आयनों की संख्या अथवा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो अपन पढ़ चुके हैं फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी आर एल वी पी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बच्चों। सेकंड हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड बच्चों हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हिंदी मीडियम, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ठीक है बच्चों, हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, बस लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है और इसके बाद पढ़ना है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों मैंने बता दी आपको, ठीक है। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ, मैं शॉर्ट में बच्चों लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है, समझिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको,
ठोस अवस्था का वाष्प दाब जब द्रव अवस्था के वाष्प दाब के इक्वल हो जाता है बच्चों, तब उसे हिमांक स्तंभ से फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं। बेटा दोनों मीडियम पढ़ाना बहुत टफ जॉब होता है, अच्छे अच्छे टीचर हार मान लेते हैं, ठीक है, बट मैं 14-15 ईयर से टीच करते आ रहा हूँ, दैट्स वाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के बच्चों को दिक्कत ना जाए, उनको भी कोई पढ़ाए, ठीक है। हाँ जी चलिए, और मैं आज भी टीच कर रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों को, तो दोनों मीडियम में दिक्कत नहीं है, बस समझने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत फेमस है इसका ग्राफ, एनसीईआरटी में, 12th एनसीईआरटी में, जेई और नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज करिए वाई एक्सिस में क्या लिया गया है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, और बच्चों यहां लिया गया है टेम्परेचर, ठीक है। अब डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा, बुक में बच्चों परिभाषा लिखी रहती है, उसको समझने का प्रयास करिए। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी अभी, कि टेम्परेचर एट विच ऐसा बिंदु जिस पर ठोस और द्रव, सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। तो बच्चों सपोज करिए, फिजिक्स जैसे ग्राफ केमिस्ट्री में नहीं होंगे, पहले आप ये माइंड सेट कर लीजिए, फिजिक्स में ग्राफ अलग कंसेप्ट के होते हैं और केमिस्ट्री में थ्योरेटिकली होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सपोज करिए कि हमने कर्व किसका लिया, सॉलिड फेस का, ध्यान से सुनिएगा अदरवाइज ये क्लियर नहीं होता है। सपोज करिए सॉलिड फेस का हमने कर्व लिया है, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। अब मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं, हाँ जी, अब ये मैंने क्या बनाया बता रहा हूं, है क्या कंसेप्ट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर जब लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठोस अवस्था का वाष्प दाब जब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, डेफिनेशन को समझिए। तो बच्चों ये किसका वेपर प्रेशर है, ये है लिक्विड फेस का, लिक्विड का, सॉरी सॉल्वेंट लिख रहा था मैं, हाँ जी समझेंगे, ये किसका कर्व है समझेंगे, किसका है ये बोलिए, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, फेज लिक्विड होगी, लिक्विड, हम सॉलिड फेज ले चुके हैं। अब बच्चों हमने प्योर सॉल्वेंट का कर्व लिया और यहां पे मिला दिया, देख रहे हो भैया, हमने यहां पे टच कर दिया है, बच्चों इसका मतलब ये है, ये तो पूरा सॉलिड का है वेपर प्रेशर, इसका मतलब बच्चों ये है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे सॉलिड फेस के इक्वल हो गया है, ठीक है। अब हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, हम थ्योरी क्या पढ़े बेटा, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जो बच्चे पिछली क्लास अटेंड किए हैं बेटा उन्हीं को समझ में आएगा, ठीक है, मैं ब्रह्मा नहीं हूं ना अमिताभ बच्चन हूं, ठीक है, ठीक है बेटा, कि कहीं से भी शुरू करो समझ में आएगा, ऐसा साइंस और मैथ्स में नहीं होता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो यूट्यूब में जाके देखिए, इसके पहले की क्लास। सो अब क्या होगा समझेंगे, ये तो प्योर सॉल्वेंट का कर्व ले लिया हमने, ठीक है, अब इसे मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं, आपको दिखाई पड़ेगा, हाँ बेटा ये किसका कर्व हमने लिया है, सोल्यूशन का, इम्प्योर सोल्यूशन, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन हमने लिया है, और ये उसका कर्व है वेपर प्रेशर का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, सॉल्यूशन का जो कर्व है बच्चों, हमने उसको कहां पे जाके जोड़ दिया है, टच किया है सॉलिड फेस को, टच किया कि नहीं किया है, ये पूरा सॉलिड फेस का कर्व है, ठीक है, और ये दोनों लिक्विड के कर्व हैं, लेकिन ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। तो मैं आपको वन बाय वन थ्योरी कर रहा हूं क्लियर, कंसेप्ट कर रहा हूं क्लियर, ठीक है।
अच्छे समझिएगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे जाके टच किया, पहली बात, ठीक है। यदि इस पॉइंट को हम नीचे ले जाएं, इसका मतलब ये कौन सा कर्व है, हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया है बेटा, टेम्परेचर को लिया है, ठीक है। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, ठीक है। सिमिलरली सॉल्यूशन का, इम्प्योर सॉल्यूशन का, अशुद्ध विलयन का वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया किस टेम्परेचर पे, इसको मिला दीजिए नीचे, इसको मिला दीजिए नीचे, ये हमको टेम्परेचर मिला, ठीक। अब बच्चों सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कर्व ऊपर क्यों है और ये कर्व नीचे क्यों है। जो बच्चे समझ के पढ़ेंगे उनके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि मैंने प्योर सॉल्वेंट का कर्व ऊपर क्यों लिया है, जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, और सॉल्यूशन का कर्व मैंने नीचे क्यों लिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है एक। तो बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, याद करिए, हमने पढ़ा था कि प्योर सॉल्वेंट इजिली वेपराइज होता है, इजिली वाष्पित होता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, जबकि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इजिली वेपराइज नहीं होता है, समझे, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम वेपराइज होते हैं सॉल्वेंट के। बच्चों कोई टीचर आपको बार बार रिवाइज नहीं कराएगा, ना ही बार बार आपको कोई रिपीट करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, बट मेरा स्टेमिना ज्यादा है, ठीक है, मेरा मोटिवेशन और ये पैशन ज्यादा है, ठीक है, डेडिकेशन, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि टीचर, बच्चे आजकल ये मानने लगे हैं कि टीचर उनका गुलाम है, तो ये दिमाग से हटा दीजिए आप, ठीक है। टीचर टीच कर रहा है, आप पहले तो उसकी वैल्यू समझिए, उसकी कीमत करिए, ठीक है, और पिछले कंसेप्ट आप रेडी रखिए, क्योंकि हर टीचर बार बार कंसेप्ट रिपीट नहीं करेगा। मैं इतने सालों में इतनी मेहनत किया हूं, इसलिए मैं अपनी आवाज खो गया हूं, मेरी आवाज खराब हो गई आज, ठीक है, आज वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम आ गई है। जो बच्चे यदि मेरी बात को सुन रहे हैं वो ऑनलाइन है, ठीक है, तो इस बात को समझिए, जो टीचर पढ़ाता है इसके पहले वाले कंसेप्ट आप पहले अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए प्योर सॉल्वेंट का कर्व ऊपर है और सॉल्यूशन का कर्व नीचे है। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। बट ये दोनों लिक्विड फेज में है और ये सॉलिड फेज में है, क्यों है ऐसा, क्योंकि ऐसे डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, लिक्विड फेज का, चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर जब सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अब इससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, चल रहा है। सो बच्चों वी गेट फ्रीजिंग, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर का इस चैप्टर में सिंबल क्या है, टी नॉट, टी एफ और ये टी एफ, ठीक है बेटा। पी नॉट क्या है, पी नॉट हम पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाइल पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो टी नॉट एफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बच्चों मैं सब कुछ लिख रहा हूं, सब कुछ बहुत ही इजी मेथड, और हर छोटी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके, उसके बाद भी आप यदि आगे नहीं बढ़ सकते तो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, दिस इज ट्रुथ, ठीक है, कोटा जाइए, कहीं जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है।
लोगों को लगता है कि कोटा में मिरेकल हो जाएगा, दिल्ली में मिरेकल हो जाएगा, कहीं मिरेकल नहीं होगा बेटा। जिस बच्चे के अंदर टैलेंट है वो कहीं से भी एग्जाम क्रैक करेगा, चाहे शेड्यूल हो, चाहे कोटा हो, चाहे कुछ हो, डजंट मैटर। हाँ जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बोलिए अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पे इस पॉइंट को देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां से देखिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हाई है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो डिफरेंस मिला, ये जो डिफरेंस मिला हमें, इसी को तो बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से, किससे? डेल्टा टीएफ। ये है इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं सारी चीजें क्लियर किया हूं कि ग्राफ ऐसा क्यों हुआ, ये वैल्यू कहां से आई, ये क्या है, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज, ये जो गैप मिला, डिफरेंस मिला, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर हाई है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर कम है, तो भैया डिक्रीज हुआ ना, घटा ना, तो डिक्रीज होने या घटने को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, अवनमन हिंदी में, ठीक है। क्लियर हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। सो यहां से क्लियर हुआ, थ्योरी क्या लिखेंगे, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड इन प्योर सॉल्वेंट। बेटा बार बार हिंदी नहीं बोलूंगा, पढ़ा चुका हूं हिंदी। जब अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में मिला दिया जाता है, ठीक है, देन क्या होता है बोलिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। ऐसा आप एक्सप्लेन करेंगे, पी नॉट ग्रेटर देन पी, सो टी नॉट एफ ग्रेटर देन टी एफ, अभी मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्लियर हो गया। और आगे लिखेंगे, सो डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों मैंने अपना पूरा ब्रेन यूज किया है, बहुत इजी टीच किया है, ठीक है। 10 सेकंड का वेट करिए, थोड़ा पानी पी लो। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है, इसका मतलब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। अब बच्चों, वी नो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब समझिए, ये थ्योरी है, वेयर एम इज हम पढ़ चुके हैं, वी नो दैट मोलैलिटी, हिंदी में बोलते हैं बच्चों मोललता, ठीक है। अब बात को समझेंगे, अब ये आपके दिमाग में आएगा कहां से आया, बच्चों इसका भी सॉल्व है, इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन ये 12th में नहीं है, एनसीईआरटी में सिलेबस में नहीं है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है इंडिविजुअली जानने के, आप इच्छुक हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं इसका सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है। ग्राफ से ही आएगा, इसी ग्राफ से डिराइव होता है, ठीक है।
बट सिलेबस में नहीं है, इसलिए कोई स्कूल वाला है कोई टीचर इसे एक्सप्लेन नहीं करता है। चलिए, सो ये है थ्योरी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे सो बच्चों कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट आएगा, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, ठीक है बच्चों। इसको चाहो तो क्या और क्या लिख सकते हो, टी एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, के एफ एम, ठीक है, के एफ एम, ठीक पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। अब इसको और कर लीजिए एक्सप्लेन, वी नो दैट मोलैरिटी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले से। मोल का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू बी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन टू, इक्वेशन टू घुसे इंटर इक्वेशन वन, इक्वेशन टू सब्सटीट्यूटेड इन इक्वेशन टू, ठीक है, ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है, टीच करने की। तो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में घुसेड़ दीजिए, अब यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ जी, दिस इज स्मॉल है, मास नहीं है बेटा, ये मोलैरिटी है। अब इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला है डब्ल्यू ए बाई एम ए डब्ल्यू बी। कुछ मूर्ख स्टूडेंट्स इसे याद करते हैं लास्ट में, लास्ट फॉर्मूला याद करते हैं, ये मूर्खता है बेटा, ये मूर्खता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये पढ़िए, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। अब कई बुक में बच्चों इन सम बुक्स थाउजेंड का मल्टीप्लाई कर देता है लास्ट में, तो ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, थाउजेंड का मल्टीप्लाई क्यों होता है, इफ द मासेस गिवन इन ग्राम्स, इफ द मासेस गिवन इन ग्राम्स, मास या वॉल्यूम जब ग्राम्स में होता है या मिलीलीटर में होता है, पढ़ा चुका हूं पहले, पिछले वीडियो आप देखिए यूट्यूब में जाके, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको बहुत ईजी लगेगा ये, ठीक है। जहां टीचर्स नहीं अवेलेबल है स्कूल्स में, ट्यूशन नहीं अवेलेबल है, उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। हाँ जी, सो थाउजेंड का मल्टीप्लाई बेटा क्यों हुआ, बिकॉज मासेस गिवन इन ग्राम्स, वन के जी इज इक्वल टू क्या होता है, थाउजेंड ग्राम, थाउजेंड ग्राम, सो वन ग्राम इज इक्वल टू वन अपॉन थाउजेंड के जी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों हो गया इसका डेरिवेशन, तो आप कहां से एक्सप्लेन करेंगे इसको, यहां से सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे एक्सप्लेन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अब इस के एफ का नाम जान लीजिए, तो बच्चों ये जानती हो आप, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम पढ़े हैं ना इन लास्ट क्लास, हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका भी सेम डेरिवेशन था, याद है, वहां पे के भी आया था, यहां पे के एफ आया है, ठीक है। तो के एफ का नाम जान लीजिए, के एफ का नाम के एफ का नाम है वेयर के एफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, दूसरा नाम है मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, टॉपिक का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो मोलल मोलर नहीं है, यहां आर मत कर दीजिएगा फटका पड़ जाएगा, एल है, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। बच्चों एक्चुअली क्रायोस्कोपी का मतलब होता है, क्रायो मीन्स होता है लो टेम्परेचर, और बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, लो टेम्परेचर, क्रायोस्कोपी, सो बच्चों नाम यहां से आया है, क्रायो मीन्स क्या होता है, लो
टेम्परेचर, निम्न ताप। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? बोलिए क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है? ठीक, अब इसकी यूनिट आती है, तो मैं पिछली क्लास से पढ़ाया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझिए बिल्कुल उसी के जैसा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो यूनिट केबी की थी वही यूनिट केएफ की भी होगी, ठीक है, बट आप निकाल भी तो सकते हैं, केएफ से कटने की जरूरत नहीं है। केएफ इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टीएफ बाय स्मॉल एन, ठीक है बेटा। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? केल्विन, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मास नहीं है, ऐसी गलती मत करना। मोलैलिटी क्या होता है? मोल पर केजी, याद है? सो यहां पे आएगा मोल पर केजी। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। अब इसी को लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। अब मोल इनवर्स क्यों लिखा मैंने बेटा? इतनी मैथ्स तो आती होगी, डिनोमिनेटर को ले जाओगे न्यूमरेटर में, हर को ले जाओगे अंश में, ठीक है, हिंदी मीडियम में। क्लियर हो गया है बच्चों? एक समझ में आए कोई जो स्टूडेंट्स हैं तो उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे बच्चों को फायदा मिलेगा। जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनके पास टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं है, सो बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आप कुछ भी याद करने को नहीं बोला है, सारा कुछ आप समझिए। रट्टा मारेंगे बच्चे तो भोगेंगे हमारे जैसे, जब हम भोगते थे, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी अवेलेबल, ठीक है, तो हम लोग रट्टा मार के स्कूल में अच्छे रिजल्ट लाने का प्रयास करते थे, ठीक है बेटा। मैं कभी 24 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं था, कभी टॉपर नहीं था, ठीक है, आई बात समझ में? कम पढ़िए बट सॉलिड पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए बट सोच समझ के पढ़िए। साइंस मैथ्स मीन्स क्या होता है? ब्रेन का यूज करिए। कई बच्चे 24 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे मीन्स 10 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद घींच घांच के लाते हैं 80% बच्चे, उसको कोई मतलब नहीं है उस रिजल्ट का, क्योंकि आपने मजदूरी की है। स्मार्ट स्टडी बच्चों, अब युग है स्मार्ट स्टडी का, आप 4 आवर्स पढ़िए बट एप्लीकेशन के साथ पढ़िए, तब आपका जेई नीट यूपीएससी पीएससी क्रैक होगा। ये सब चीजें बच्चों हमने बाहर सीखी इंदौर में, हमको हमारे सर ने सिखाया, ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो पढ़ने का जो पैटर्न है सबसे पहले आप उसको इम्प्रूव करिए। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आधे घंटे आप स्टडी करिए बट सॉल्व स्टडी करिए। उस टाइम पे फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप ये बिल्कुल दिमाग वहां नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। चलिए सो ये यूनिट हो गया, चलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा केएफ के बारे में हो जाए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला केएफ आपको याद करना पड़ेगा, जेई और नीट में आता है, बोर्ड एग्जाम में तो चांस कम है, जेई और नीट में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। 1000 LV नोट करेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है, नोट करिए नोट करिए। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले को बच्चों सब बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, 1000 ΔH, सॉरी ये वी नहीं होगा बेटा, वी तो केवी में आता है, हाँ जी केएफ में LF लिखेंगे और यहां भी F लिखेंगे। F का मतलब क्या है बेटा? फ्रीजिंग, फ्रीज, हम पढ़ के रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, या तो फिर मत लिखो, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, तो आप क्या लिखो? सिंपल लिखो T, RT² / 1000 L, F लगाओ ही मत, क्योंकि F का मतलब क्या है? फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, ठीक है। अब बच्चों ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा हार्ड है बट घबराने की जरूरत नहीं है, हम केबी का फॉर्मूला पढ़े थे, केबी का भी बच्चों फॉर्मूला यही आया था, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़िए, कंपेयर करके ये देखिए हल्का चेंज आया है, वी एल वी, अब समझिए। वैसे बच्चों मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में बट फिर से रिपीट कर रहा हूं, टीबी का मतलब क्या था? बॉइलिंग टेम्परेचर। एल वी का मतलब क्या था? लैटेंट हीट ऑफ वेपर, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटरिन हीट नहीं,
लैटेंट हीट, यदि मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो तो मैं लिख दे रहा हूं स्पेलिंग, लैटेंट हीट नॉट लैटेंट हीट, वो अलग बात है, वहां से हीट निकलती है, मस्ती कर रहा हूं, जस्ट कीडिंग। हाँ जी, तो लैटेंट हीट क्लियर है, गुप्त ऊष्मा हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, गुप्त ऊष्मा, वैसे भी ऊष्मा गुप्त ही होती है। हाँ जी, तो लैटेंट हीट ऑफ क्या, वेपोराइजेशन एलवी, सो एलएफ क्या होगा बेटा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हिंदी में बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब बच्चों जो लोग भूल गए हैं इलेवेंथ की फिजिक्स, तो मैं आपको याद करा दो फिर से एक बार, लैटेंट हीट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, बच्चों बोर्ड में लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ऐसी ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में प्रयोग होती है। अवस्था परिवर्तन मीन्स, अवस्था परिवर्तन मीन्स क्या होता है, कोई नई बात नहीं है, अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है, अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, अवस्था परिवर्तन मीन्स होता है सॉलिड से लिक्विड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, लिक्विड से वेपर या स्टीम बनना, या वेपर से लिक्विड बनना। इसमें बच्चों समझो, तो यहां जो हीट यूज होगी दैट इज लैटेंट हीट, समझेंगे अच्छे से, गुप्त ऊष्मा। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, अवस्था, अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अवस्था परिवर्तन, ठीक है, क्लियर है, स्टेट चेंज या फेज चेंज, स्टेट चेंज या फेज चेंज, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इलेवेंथ में, यदि आप भूल गए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू इज इक्वल टू एम एल या एच इज इक्वल टू एम एल, हीट का सिंबल क्या होता है, या तो बच्चा एच होता है या क्यू होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, बट आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, लैटेंट हीट ऑफ आइस ये न्यूमेरिकल में कई बार गिवन नहीं होगा, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, 80, ठीक है। एलवी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं बेटा, वाटर आइस की बात कर रहा हूं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 536 कैलोरी पर ग्राम, दीज टू वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर, ओके, ये आपको टू वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें भी लफड़ा है, मान लीजिए कैलोरी में नहीं दिया है वैल्यूज, तो फिर आपको 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल कन्वर्ट करते आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ये भी नहीं पता है तो फिर मेरे पास है, और क्या करोगे, ठीक है। तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते आना चाहिए, कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करते आना चाहिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अब कुछ भी नहीं याद है आपको तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई, ठीक है, चलिए उसके लिए फिर आप ही जिम्मेदार है। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक है। सो बच्चों ये हो गया केबी और केएफ। अब बच्चों इसमें होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और पढ़ना पड़ेगा, केएफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 LF, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है फॉर वाटर, मतलब जब पानी की बात की जाए, ठीक है, वाटर की बात की जाए, तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा, फिर क्या समझना पड़ेगा, आर तो हम जानते हैं, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये पढ़ा पढ़ा के मेरे घाव हो चुका है, दिखा नहीं सकता, बस ये डेली केमिस्ट्री में आता है, जान लेके रखा है आपके भी और मेरे भी, 0.0821
ये वैल्यू है, यू हैव टू रिमेंबर, ओके, आपको याद रखना पड़ेगा. सेकेंड वैल्यू 2 कैलोरी, थर्ड वैल्यू 8.31 जूल. अब आप कुछ बच्चों को पता नहीं है कि मैं 3 वैल्यूज क्यों रखा हूं. बच्चों यही तो प्रॉब्लम है, जब क्वेश्चन में प्रेशर एटीएम में गिवन होगा, एटीएम में, तब आप ये वैल्यू ध्यान से सुनिएगा, तब आप ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है. यदि गिवन वैल्यू में कहीं कैलोरी है तो आप ये वैल्यू यूज करेंगे, और गिवन वैल्यू में जूल है तो आप ये वैल्यू यूज करेंगे. बट ये याद करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 2 वैल्यूज कांस्टेंट की याद रखिए, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, कसम दीपिका पादुकोण की, ठीक है. यदि आप सोचते हैं कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो नहीं रहेगा, ठीक है. आई बात समझ में? हाँ, मैं इसे याद करने क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, मतलब अप्रोक्स 4.2 जूल, ठीक है, क्लियर है. तो आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. टीएफ क्या होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर पानी का, सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है. बट फिर से कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, किसी भी फॉर्मूले में केमिस्ट्री के आर आ जाए, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ जाए, देन हमेशा वैल्यू केल्विन में यूज करते हैं टेम्परेचर की. ये अच्छे से बात सुनिएगा, ये छोटी सी बात है बेटा, बट छोटी सी बात नहीं है, लंबा नुकसान करेगी, ठीक है. पूरी फिजिक्स और पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा ये कंसेप्ट. 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 273 केल्विन. एलएफ तो हम कुछ देर पहले पढ़े हैं, 80 कैलोरी पर ग्राम. सो ये पुट करिए, ये पुट करिए, और ये पुट करिए. यहां जब पुट करेंगे बेटा, देन आपको मिलेगा 1.86 बुक में दिया हुआ है. सॉल्व करने को नहीं आएगा बेटा, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, ये सॉल्व करने को नहीं आता है. आप ये फॉर्मूला पढ़िए, ऑप्शन में आता है, और ये वैल्यू आ जाता है. न्यूमेरिकल तो इस पे आएगा, इस फॉर्मूले पे, न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले में आता है, ठीक है. चलिए क्लियर हुआ. सो वॉटर के लिए, वॉटर के लिए केएफ की वैल्यू कितनी होती है? 1.86. सिमिलरली हम पढ़ चुके हैं यस्टरडे, क्या केबी की वैल्यू क्या होती है? 0.52. किसके लिए? पानी के लिए. So, दोनों वैल्यू सामने लिखी हुई है, क्लियर है. तो बच्चों हमने ऑल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है. 10 सेकंड वेट करिए, बच्चे की जान लोगे क्या? पानी पी लूं, पी लूं पानी. हाँ जी, आगे बढ़ते हैं आप. ये लाल रंग कब हमें छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, छोड़ेगा जब तलक मेरा तुम. हाँ जी, चले, राजेश खन्ना का फेमस सॉन्ग है ये, आप लोग पुरानी फिल्में देखते होंगे, प्रेम नगर, ठीक है, बहुत खूबसूरत मूवी है, पुरानी मूवी देखिए, अच्छी होती है. भारतीय फिल्म का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना. हाँ जी, चलिए टॉपिक में आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं, बट अब मैं आपको कुछ और चीज बताने वाला हूं, ठीक है, समझिएगा अच्छे से. पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्टकट है ये, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, जिसका फॉर्मूला था संसनसन साय साय, और ये फॉर्मूला नहीं था भाई, मैं जो बोल रहा हूं फॉर्मूला ये था, इज इक्वल टू XB. XB क्या था? पढ़ा पढ़ा के जान लोगे क्या मेरे? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा, ये पढ़ चुके हैं अपन. अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? लिखते जाऊं खुद को मुगले आ जाओ, मुझे अनारकली समझते हो क्या? हाँ, ये फॉर्मूला है. फिर बच्चों हमने क्या किया था, इस Na को हटा दिया था,
क्यों हटा दिया था, पढ़ा चुका हूं, फॉर डाइल्यूटेड सोल्यूशन, तनु विलयन के लिए हिंदी में। भाई तनु किसी का नाम नहीं है, तनु से याद आया, एक एक्ट्रेस थी तनु श्री दत्ता, ठीक है, मीटू वाली, छोड़िए उसकी। चलिए तो हम पढ़ चुके हैं डाइल्यूटेड सोल्यूशन, डाइल्यूटेड सोल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूटेड सोल्यूशन एनए को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं क्या बताने वाला हूं, जो आप पढ़ चुके हो, सॉरी यहां नॉट नहीं होगा,